फ्रेंड्स, मैं एकता जैन, आपका स्वागत है एक बार फिर एक अमेजिंग वीडियो में। हम आए हैं, एक्चुअली इस जगह के कई सारे नाम हैं, चीजा माता उद्यान, रानी बाग, जू और विक्टोरिया गार्डन। ये तो बहुत पुराना नाम है, आप इसे जिस नाम से बुलाना चाहें आप बुला सकते हैं। एक दिन के लिए पूरी फैमिली के साथ आने के लिए ये बहुत अमेजिंग जगह है। डेफिनेटली आइए और बहुत अमेजिंग चीज़ें देखिए। अगर आपके बच्चे नहीं जानते कि जानवर कैसे दिखते हैं, उनमें डिफरेंशिएट कैसा है, कौन सा जानवर कैसा दिखता है, कैसे कौन सा पेड़ कौन से कलर का होता है, उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी जीजा माता उद्यान बायकला में। आइए और अपने बच्चों को भी साथ लेकर आइए। इट इज़ अ परफेक्ट वन डे पिकनिक स्पॉट इन मुंबई, इन द हार्ट ऑफ मुंबई। हम जा रहे हैं अब नेचर ट्रेल पे। आप मेरे पीछे थोड़े पत्ते भी देखेंगे, अलग अलग रंगों के पत्ते देखेंगे और बहुत खूबसूरत ट्रेल होने वाला है, सो कीप फॉलोइंग मी। ये सुंदर जो आप पत्ते देख रहे हैं, नीले कलर का, दे आर गोइंग टू बी अमेजिंग। इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, कुछ छोटे पत्ते, कुछ बड़े पत्ते हैं, और ये बहुत सुंदर डेकोरेशन बनाया हुआ है, फाउंटेन की तरह बनाया हुआ है। एंड देन ये जो पेड़ है, यहाँ पर आपको दिखेंगे बहुत सारे बैट्स। ये जो ट्रेल है वो पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है, दोनों साइड सपोर्ट दिया हुआ है और लकड़ी के ऊपर से हम लोग चलते हुए जा रहे हैं। लेट मी शो यू बिहाइंड मी। सनसेट का टाइम है, नेचर फुल ग्रोन की तरह कह सकते हैं, बहुत अच्छे से नेचर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत बड़े बड़े और अलग अलग टाइप के पेड़ भी हैं यहाँ पर। यहाँ जो गार्डन है, यहाँ सब लोगों के लिए खुला है, कोई भी आकर यहाँ पर गार्डन में अपना टाइम व्यतीत कर सकता है इस नेचर के बीच और इस खूबसूरत वादियों के बीच। मुझ पर आप सन देख रहे होंगे, ये थोड़ा सनसेट होने की तैयारी है तो पेड़ों के बीच में से सन आता हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। ये हमारा नेचर ट्रेल है और देखकर ही बहुत खूबसूरत लगा। हम और आगे कुछ और देख रहे हैं, लेट्स सी व्हाट इट इज। यहाँ आप नेट देख पा रहे होंगे थोड़ी सी इस तरफ से, तो यहाँ अंदर लेपर्ड्स हैं, इसके लिए उसे ऊपर एनक्लोजर बनाने के लिए, लेपर्ड्स एनक्लोजर देने के लिए ये नेट लगाया हुआ है। मुंबई के बीचों बीच, मुंबई के हार्ट के बीचों बीच, इतनी चहल पहल, इतनी नॉइस पोल्यूशन के बीच, अगर आपको सिर्फ नेचर की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे बर्ड्स अब वापस आ रहे हैं अपने घरों में, अगर ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो हम भाईकला जू में हैं। अब हम जाएंगे लेपर्ड्स और हाइना देखने के लिए। यू कैन सी इट, ये हाइना है जो सो रहा है इस वक्त और रात के टाइम पर ये आएगा बाहर दिखेगा। क्या आपको चीता और इसके बारे में डिफरेंस पता है? स्पॉट द डिफरेंस। लेपर्ड और चीता में जो स्पॉट्स होते हैं उनके स्पॉट्स के डिफरेंस होते हैं, तो चीता है वो सिर्फ स्पॉटेड रहता है, लेपर्ड जो है उसकी स्पॉटिंग कुछ ऐसे होती है, राउंडिश शेप में होती है, स्पॉट होते हैं लेकिन एक सर्किल में स्पॉट होते हैं, और ये कैसे भी स्पॉट होते हैं। दैट्स द डिफरेंस। नाउ यू नो द डिफरेंस। ओ द अदर वन केम। सो अभी हम स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं जैकल्स को। सो दे आर हियर और बहुत कैमोफ्लाज होता है इनका, एंड दे आर रनिंग अराउंड, छोटे छोटे से हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुल्फ फैमिली। सो एक है कुकरी जिसे फॉक्स कहते हैं, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू पुल आउट।
जो नॉर्मल फॉक्स होता है, एक रान रान कुतरा मतलब वाइल्ड डॉग होता है, जो हमारा डोमेस्टिक कैट है जैकल उससे थोड़ा सा बड़ा है, और उससे थोड़ा सा बड़ा होता है वुल्फ। वुल्फ आपने जंगल बुक में ज़रूर देखा रहेगा, ये है पूरी वुल्फ फैमिली। तो यहाँ पर ये रणथंबोर से आए हैं टाइगर्स, तो इसलिए उनको ये जो पूरा एनक्लोजर दिया है वो एनक्लोजर पूरा रणथंबोर की तरह दिया हुआ है। लेट्स गो एंड वॉच देम। ये है ट्रेडिशनल महाराष्ट्र की ट्राइबल पेंटिंग, जो वारली पेंटिंग कही जाती है, बिकॉज ये जैकल्स जो हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में भी मिलते हैं, इसलिए इन्हें महाराष्ट्र के स्टाइल की जगह पर एनक्लोजर में रखा हुआ है। बीवेयर यू आर एंटरिंग द टाइगर टेरिटरी। Enough for the theatricals. अब हम जा रहे हैं टाइगर रिजर्व में। लेट्स सी वो टाइगर्स कैसे दिखते हैं। ये टाइगर मेरे लिए वेट कर रहा था, सो बिकॉज उन्हें पता था कि मैं आ रही थी, तो मेरे लिए वेट कर रहे हैं टाइगर। आई कैन सी दैट। हाय टाइगर। लेट्स नॉट गिव हिम मोर अटेंशन। ज़्यादा टेंशन नहीं देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जो टाइगर जो हैं उनको स्विमिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए उनके लिए स्विमिंग पूल बनाया हुआ है छोटा सा, सो दैट दे कैन एंजॉय देयर डिप एंड स्विम। ओके, अब हम चल रहे हैं सांबार हिप्पो की तरफ देखने के लिए, और ये पूरा गाइड है आपके लिए कि ज़ू कैसा है, कितना बड़ा है, कहाँ है, और क्या क्या मिलेगा आपको ज़ू में देखने के लिए। अगर आप चलते चलते थक गए हैं तो बीच में भी आपको कैफ़े मिलेंगे। कैफ़े वाइल्ड है, द मुंबई ज़ू कैफ़े वाइल्ड। मेरे पीछे यहाँ कौवे भी कुछ खा रहे हैं। सो वी हैड अमेजिंग कॉफ़ी ब्रेक एट वाइल्ड ज़ू कैफ़े वाइल्ड। हमारे साथ हैं ओनर। दिस इज़ द फिफ्थ जनरेशन और ये 5 साल से काम कर रहे हैं। सो व्हाट्स द नंबर, व्हाट्स द मतलब ये 5 का आंकड़ा क्या मतलब है इसमें? सो इट्स बेसिकली बीन लाइक 5 इयर्स आई हैव बीन सर्विंग। आई वाज अ प्लस साइज मॉडल, बट द लव फॉर ज़ू एंड द लव फॉर एनिमल्स जस्ट ब्रॉट मी हियर। सो आई हैव बीन सर्विंग ऑल द पीपल, स्कूल्स, द विजिटर्स ऑफ ज़ू एंड द पीपल ऑफ मुंबई एंड आउटसाइड इंडिया फॉर द लास्ट 5 इयर्स नाउ। सो ये 5 जो हैं 5 साल से हैं और 5वीं पीढ़ी के हैं, और ये प्लस साइज मॉडल है। आप मुंबई में कहीं भी चले जाओ, आपको कहीं ना कोई कोई ना कोई मॉडल तो मिल ही जाएगा। जैसे मैं हूँ, मेरे साथ एक और मॉडल मिल गए। सो वाओ, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। सो इट वाज अ शॉर्ट ट्रिप, शॉर्ट ब्रेक। अब हम वापस चलते हैं अपने ट्रैक पर। लेट्स गो। मराठी में इसे कहते हैं पानी घोड़ा, मतलब कि हिप्पोपोटामस। आपने हिप्पोपोटामस तो देखा होगा, जैसे हम कहते हैं लेजी है, बहुत बड़ा मुंह खुलता है, बहुत तीखे दांत होते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं हिप्पोपोटामस। 2 हैं हिप्पोपोटामस हमारे सामने, आप देख सकते हैं। मैग्निफिसेंट क्रीचर। इतने छोटे छोटे से पैर हैं इनके, एंड यू कैन इमेजिन देयर बॉडी वेट। और अब वो जा रहे हैं पानी में। So, हमने अभी देखा जो हिप्पोपोटामस था वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल किस तरह कर रहा था, अपने आप को क्लीन भी कर रहा था और अपने आप को रिलीव भी कर रहा था। हम चलते हैं आगे। वी आर नाउ गोइंग टू सी मंकी लाइक मी। सो हियर इट इज। ये एक मंकी फैमिली यहाँ बैठी हुई है, देख सकते हैं। ये है पुराना एनक्लोजर जहाँ बेयर्स को रखा जाता था। इसके अंदर बेयर्स रहते थे, गुफा की तरह बनाया हुआ था। अब जो बेयर्स जो रहते हैं वो यहाँ तो रहते ही हैं, साथ में बाहर भी एक एनक्लोजर बनाया हुआ है। और ये है स्लॉथ बेयर, अस्वल, जो स्लॉथ बेयर है। इसमें भी कई प्रजातियाँ होती हैं। स्लॉथ बेयर कहाँ कहाँ है ये भी आपको डिटेल मिल जाएगा। यू हैव टू कम एंड विजिट दिस प्लेस टू लर्न अबाउट आवर नेचर। एक
एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो बेयर होते हैं उनके आगे के पंजे और पीछे के पंजे में जितना डिफरेंस है वो भी आपको यहाँ दिखेगा। आपने ये जो बेयर्स हैं सबसे पहले देखा होगा मोगली के साथ। सो आई होप आप सबको पता होगा मोगली द जंगल बुक, और वहाँ पे क्या क्या बेयर्स थे, क्या थे, और यहाँ बताया गया है कि उनकी फेवरेट चीज़ें कौन सी हैं। जैसे उनको कीड़े मकोड़े थोड़े बहुत पसंद हैं, फ्रूट्स पसंद है, हनी पसंद है, और मेज़ यानी कि भुट्टा भी उन्हें बहुत पसंद है। ये है बेयर एनक्लोजर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और ये है हमारा मोगली। और बगीरा की जोड़ी तो आपने देखी होगी, भालू की, मोगली की। अब हम आगे चल रहे हैं कुछ बड़े एलिफेंट्स देखने के लिए। लेट्स गो। इससे अच्छा एक्सपीरियंस, वन डे एक्सपीरियंस मुंबई में कहीं नहीं मिलेगा। वेकेशन आने वाला है, सो दिस इज़ द प्लेस टू कम एंड विजिट विथ योर फैमिली, विथ योर किड्स। आप भी खुद बच्चे बन सकते हैं, क्यों नहीं। लिव योर चाइल्डहुड अगेन। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जीजा माता जी का एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा रखी हुई है, और ये बोटानिकल गार्डन्स भी हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रजातियों के आपके पेड़ पौधे आप देख सकते हैं। ज़ू तो है ही है, तो अब इसका नाम नए मॉडर्न ज़माने के लिए मुंबई ज़ू भी रखा गया है, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत इंटरनेशनल लोग भी आते हैं तो उन्हें समझ में आना चाहिए, डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, इसलिए इसका नाम मुंबई ज़ू भी है। नाम कुछ भी हो, है तो एक ही जगह, जीजा माता उद्यान बायकला। ये जीजा माता हैं और उनके साथ खड़े हैं शिवबा। यहाँ बनाया हुआ है एक जापनीज तरीके का गार्डन, जापनीज गार्डन नाम दिया हुआ है। मामा बेयर एंड बेबी बेयर हैविंग द बाम्बूज। उसी के सामने हमारा छोटा भीम भी है और उसकी फ्रेंड भी है। ये है सेल्फी पॉइंट्स, यहाँ पर आप सेल्फी खींच सकते हो भीम और उसकी फ्रेंड्स के साथ। अगर आप 90s किड हैं तो आप इन्हें ज़रूर पहचानेंगे। लेट मी शो यू। ये कार्टून सबको पता है, चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है, ये इनका टैगलाइन था चाचा चौधरी का। ज़ू तो हमने देख लिया, आपने पक्षियों की कलकलाहट भी सुन ली, अब हम चलते हैं हमारे आए मेहमान जो पेंगुइन्स हैं उनसे मिलने के लिए। बहुत ही खूबसूरत पेंगुइन्स हमने सिर्फ न्यूज़ में देखे थे, अब हम साक्षात देखने जा रहे हैं, आइए। See the penguins right there. बहुत कोल्ड टेम्परेचर में रखा गया है बिकॉज उनके हैबिटेट बहुत कोल्ड टेम्परेचर के होते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जब ये पेंगुइन्स आए गए थे, यहाँ बुलाए गए थे 6 साल पहले, तब थे 7, अब हो चुके हैं 18। बाप रे, मतलब जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे इनका बर्थ हो रहा है, एवरी ईयर दे आर गिविंग न्यू बर्थ। सो ये एक्मेटलाइज हो चुके हैं यहाँ के वेदर के लिए, इस जगह के लिए, एंड दे आर हैप्पी। जितने जो कपल थे वो एकदम हैप्पी हैं और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो रहे हैं, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू सी दे आर प्लेइंग इन द वाटर। और जो वाटर टेम्परेचर जो मेनटेन किया उससे उनकी हैप्पीनेस बढ़ रही है, तो नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। सो हो सकता है अगले साल और कुछ नंबर्स बढ़ जाएँ, है ना। अब इनका फीडिंग टाइम है, आप फीडिंग टाइम देख रहे हैं, और जो फीडर हैं वो आ चुके हैं, तो दे आर ऑल एक्साइटेड देखने के लिए कि क्या इनको आज खाना मिल रहा है। बस खाना तो डेली एक ही होता है, लेकिन खाने का टाइम हो चुका है। लेट्स सी, देयर इट इज। जैसे ही फीडर्स की आवाज़ सुनी वो तुरंत भागते हुए वहाँ चले गए। आप देख सकते हैं कि कैसे सबके सब एक एक करके कूद कूद के वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे उनको खाना मिल रहा है, और जैसे ही खाना मिला तो एक एक फिश पकड़ के बाहर आ रहे हैं। आपने कई सारी गेम्स देखी होंगी, फार्म विले, ये विले, वो विले। अब हम चल रहे हैं ज़ू विले में, जहाँ पे फूड कोर्ट मिल रहा है, जहाँ आपको बहुत ही बेहतरीन खाना और एकदम अच्छे दामों में मिल रहा है। लेट्स गो एंड चेक आउट। यहाँ पर एक नया कैफेटेरिया, और काफ़ी साल हो गए वैसे यहाँ पर आकर के, अगर आप ज़ू घूम करके थक चुके हैं तो यहाँ पर आकर आप आराम से कुछ भी खा सकते हैं।
बहुत किफ़ायती दाम रखा हुआ है और बहुत सारी वैरायटीज़ है खाने के लिए. सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर काउंटर्स. मुंबई की स्ट्रीट फूड्स हैं, कॉफ़ी है, फ्यूजन एक्सप्रेस वगैरह है, वॉफल्स हैं, केक्स हैं, कैंडीज़ हैं, सारी चीज़ें जो बच्चों को पसंद है वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं. मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम है जो जू के अंदर ही है. इट हैज़ द बेस्ट क्वालिटी थिंग्स, लाइट्स, योर साउंड सिस्टम, योर प्रोजेक्टर, एवरीथिंग, और बहुत खूबसूरत स्टेज भी है पीछे. एंड इट इज़ रिजर्व्ड फॉर वेरी लिमिटेड पीपल, सो इंक्वायर फर्स्ट, हैव अ लुक. इस वक्त हम बहुत सारे एनक्लोजर्स के बीच में से चलते हुए जा रहे हैं, आप सुन सकते हैं ये बर्ड्स की आवाज़ जो आजकल बहुत कम हमें सुनाई देती है मुंबई के इस शोर में. तो यहाँ आकर के आप एक शांति महसूस करेंगे, बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही अच्छा वाइब्स लगेगा आपको. यहाँ आकर ही आपको अच्छा लगे, खुशी होगी, आपके बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी. अगर आपके बच्चे हैं, अगर उन्होंने कभी कोई जानवर नहीं देखा है ठीक से, तो दिस इज़ द प्लेस टू कम एंड विजिट. और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एक उज्जैन 11 ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. सी या.